नमस्कार, आज तक अड्डा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता रे और मेरे साथ राजीव यहां पर मौजूद है, शुभांकर हमारे साथ मौजूद है। और हम जो देश में घटनाक्रम चल रहा है या फिर जो विदेशों में हाल है उस पर बात करेंगे, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में श्रीलंका है। राजीव, शुरुआत श्रीलंका से। बिल्कुल, श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं और जो एक एक तस्वीर वहां से आ रही है ना, वो चिंता में डालने वाले, बहुत परेशान कर रहे, मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत परेशान कर रहे हैं कि एक ऐसा मुल्क जो बड़ा अच्छा था, संपन्न था, लेकिन वहां पर परिवारवाद, वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे एक कैसे मुश्किल घड़ी में देश को छोड़कर भाग गए हैं, मालदीव पहुंच गए। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति ने, वहां के स्पीकर ने मदद की और वो वहां पर चले गए। अब लोग ढूंढ रहे थे उनको कि कहां है श्रीलंका में, पता चले कि वो तो चले गए। पहले भी कोशिश की कल भी भागने की, लेकिन कल तो भाग नहीं पाए थे, लेकिन आज वो कामयाब हो गए, चले गए हैं। लेकिन अब श्रीलंका को जलता हुआ छोड़ गया। अब यहां से सवाल ये है कि श्रीलंका बचेगा कैसे, श्रीलंका वापस खड़ा कैसे होगा। कोई राह, कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जो लीडरशिप है वहां की, मौजूदा जो बच्चे हुए वहां पर, उसको पसंद नहीं करें, कह रहे कि हटाओ, एक बार फिर से इलेक्शन करवाओ। तो क्या उस स्थिति में कि दोबारा चुनाव हो सके वहां पर, बहुत ही मुश्किल हालात मुझे श्रीलंका नजर आ रहे हैं यहाँ से। बिल्कुल, और देखिए कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जो डेवलपमेंट, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति भाग गए गोटाबाया जो कि, उसके अलावा जो डेवलपमेंट है कि संसद भवन में आज प्रदर्शनकारी एक बार फिर से उग्र होकर वहां चढ़ते हुए नजर आए, उनको हटाने की कोशिश वहां पर हुई। उसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज है कि कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर यहाँ रानिल विक्रम सिंधे को एक बार फिर से चुना गया, उसका विरोध भी हो रहा है। बिल्कुल शुभांकर, ये सवाल में ही लिखा और मेरा थोड़ा इस पे नजरिया अलग है। हालांकि टेक्निकली हम सबको कहना चाहिए कि आज हमने ब्लैक पहना, तो आज श्रीलंका के लिए ब्लैक डे है, लेकिन इस ब्लैक डे में मुझे एक पॉजिटिविटी भी नजर आ रही है। क्या? और ये आप हैरान हो रहे हैं, लाजमी हैरान होना। उसकी वजह है, जैसे मैं अवध से आता हूँ, हमारे कहावत कहते हैं कि मुर दो मो लड़के वक्त दो बासी दो, मतलब कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए, बच्चे को भी खिला दीजिए और सुबह के लिए पैक भी कर दीजिए। वहां पर जितने पद थे उन्होंने, जो परिवार है उन्होंने ऐसे ही बांटा था, खुद राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री घर का बनवा दिया, मंत्री भी घर का बना दिया, बेटा बना दिया। तो डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी वहां डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं थी। और पॉजिटिविटी मुझे ये नजर आ रही है, क्योंकि मैं खबरें लगातार वहां से जब मैं पढ़ रहा हूँ, एक पैसों के बंडल का नोट आया जिसको उन्होंने इकट्ठा किया और अपने देश को दे दिया, पुलिस को। आज भी सुबह से जब लगातार हम बुलेटिन पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पुलिस वालों से या फौज से उनका एक संवाद चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या है कि वो जब चाहे वहां की फौज को डोमिनेट कर सकती है, अंदर जा सकती है, लेकिन उन्होंने अहिंसा का रास्ता अब तक नहीं अपनाया है। उनका ये कहना है, जो मैं अपनी बात करना चाह रहा हूं, कि वहां के राष्ट्रपति भाग गए, अब क्योंकि राष्ट्रपति के बाद उनके संविधान के हिसाब से अनुच्छेद उनका कोई 40 समथिंग है, जिसके हिसाब से प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। उनका ये कहना है कि हमारी जो पूरी लड़ाई है ये उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिसको लेकर हमने आंदोलन शुरू किया था, और जब देश की सेना ही मदद कर रही है भगाने में तो फिर हमारा विरोध लाजमी है। तो पॉजिटिव मुझे यहाँ ये नजर आ रहा है कि एक देश की आवाम, क्योंकि श्रीलंका पिछले 3 साल में बहुत बुरे दौर से गुजरा है, कर्ज के दौर से गुजरा, तो ऐसा नहीं कि आज ब्लैक डे है। ब्लैक डे मतलब हुआ जब लोग खाने पीने की सामान नहीं मिल रहे, अब उस ब्लैक से व्हाइट की तरफ जाने का रास्ता निकल रहा है, क्योंकि आज उनकी आवाम ने कह दिया है कि हमें उस परिवार से मुक्ति चाहिए, हमें उस परिवार के जो लंपू चंपू आसपास है उनसे मुक्ति चाहिए, हम चाहते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत हो एक नए सिरे से, जिसके लिए इन प्रधानमंत्री का, जो मौजूदा राष्ट्रपति है, उनका हटना जरूरी है। और जब ये हटेंगे, ऐसे लोग भ्रष्टाचार के ऊपर केस चलेगा, जो राष्ट्रपति भागे उन्हें नहीं भागे था, तो एक बार फिर से जीरो से हम शुरुआत करेंगे। और आई थिंक वो एक जीरो से शुरुआत में उसको एक पॉजिटिव नोट मानता हूं कि आवाम ने खुद मोर्चा संभाला, जो काम वहां की विपक्ष नहीं कर पाए, जो नेता नहीं कर पाए, वो एक्स क्रिकेटर और वहां की आवाम कर रही है। तो मैं इसको पॉजिटिवली देख रहा हूं।